150,000 ये गिनती है उन लोगों की जो कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी के बाप की नहीं है। अगर किसी काम को करने का बेस्ट टाइम कभी था ना, तो वो कल था। उसी काम को करने का सेकंड बेस्ट टाइम अगर है तो वो अभी है, अभी इसी वक्त। टाइम अपना खाता खोलता है रात को 12 बजे, 00:00 hours, और फिर वही खाता रात को 00:00 hours पे रिसेट हो जाता है। इस हमेशा के समय के खाते का मतलब समझो, इसमें कोई डिपॉजिट नहीं है, आप कोई लोन नहीं ले सकते। बस जो टाइम आपको डेली मिलता है उसको आप काटो, बिताओ, सो, बर्बाद करो, आपकी मर्जी है। ये मीटर अगेन रात को 00:00 पे रिसेट हो जाएगा। टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी को अपने से आगे नहीं निकलने देती, लेकिन किसी को पीछे भी नहीं छोड़ती। सबको पता है कि टाइम बहुत जरूरी चीज है, लेकिन सिर्फ कुछ इंटेलिजेंट लोगों को ये पता है कि ये टाइम ही एकमात्र सबसे जरूरी चीज है। लोग बोलते हैं कि टाइम बचाओ, ये कोई सामान थोड़े जो पॉकेट में छिपा के रख लिया। टाइम बचाया नहीं जाता, काम में लिया जाता है। काम में नहीं लोगे तो रात को फिर से वो जीरो हो जाएगा। अगर सुबह आपको कोई 10,000 rupees दे और बोले कि या तो इनको काम में ले लेना या फिर शाम को ये गायब हो जाएंगे, तो क्या करोगे? फट से जाके काम में ले लोगे। ये वाला आपका जो दृष्टिकोण है वो टाइम के बारे में क्यों नहीं है? मैंने कितने लोगों को देखा है कंप्लेंट करते हुए कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उनका माइंडसेट क्या होता है? उनके लिए पैसों से बड़ी चीज है टाइम। टाइम अपनी स्पीड से दौड़ रहा है। आपको दौड़ना है तो दौड़ो, आपको बैठना है, रोना है, गप्पे मारना है, आप कुछ भी करो यार, टाइम एक अलग डायमेंशन है, वो एकदम इंडिपेंडेंट है, वो तो नहीं रुकने वाला। दोस्त, आप में से जिस बंदे ने ये बात समझ ली कि इस टाइम से बड़ा कोई नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं आने वाले टाइम में उस बंदे से बड़ा दूसरा उसके फील्ड में तो कम से कम कोई बंदा नहीं होगा। अगली बार जब आप इस टाइम वर्ड को इस्तेमाल करो ना, तो सोचना कि यार ये आखिर है क्या टाइम। टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह, अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो तो ये एकदम स्लो हो जाएगा। अगर आप डर रहे हो कि आपका टाइम तेजी से भागे जा रहा है तो ये और तेज हो जाएगा। लेकिन जो इन दोनों तरह के लोगों से हटकर केवल अपने सपने में बिजी रहता है, जिसको टाइम के बारे में सोचने तक का टाइम नहीं है, इतना बिजी है अगर कोई बंदा अपने सपनों को लेकर, तो ये जो टाइम नाम की चीज है ना, वो उसको बहुत आगे तक लेके जाती है। उसकी मौत के बाद भी उसको धरती पे जिंदा रखती है ये। इस जिंदगी के सफर में रोना धोना अलाउड है, लेकिन बैठना अलाउड नहीं है। बैठना नहीं है मेरे दोस्त, रो लेना, लेकिन बैठना नहीं है। जो तेरे दिमाग में हलचल चल रही है ना, उसको रुकने नहीं देना। अगर आपके लिए प्यार करना मायने रखता है तो करो, क्योंकि टाइम ट्रेवल कर रहा है। अगर आपके लिए डांस करना मायने रखता है तो डांस करो, क्योंकि समय बीत रहा है। अगर आपके लिए पढ़ाई करना मायने रखता है तो करो, ये समय आपको परीक्षा के सामने ले जाके खड़ा करने वाला है। जिंदगी में अपने सपने जल्दी पूरे कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर लेट हो गए तो उस सक्सेस को एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा। हमारे देश के मनुष्यों की एवरेज लाइफ है लगभग 70 साल। अब देख लो आपके पास में कितना टाइम बचा है, और जितना टाइम आपके पास बचा है उसमें से कितना अभी आपको और खर्च करना है अपने टारगेट को पाने के लिए, उतना टाइम और माइनस कर दो उसमें से, और बुढ़ापे के 8-10 साल तो निकाल ही दो। कितना टाइम बचा आपके पास, गणित लगा लेना। आप लोगों ने 10-15 साल पढ़ाई करी होगी स्कूल कॉलेज में। आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने बुरे समय को मोड़ सकते हो। आप टाइम को रोक नहीं सकते, लेकिन आगे के अच्छे टाइम के लिए अभी वाले टाइम को जम के काम में ले सकते हो। ऐसा कोई बैंक नहीं है दुनिया में जो आपको सुबह उठते ही फ्री में 1440 रुपए दे दे। 1 रुपया नहीं देने वाला कोई बैंक आपको फ्री में। लेकिन टाइम का दिल बहुत बड़ा है। आपके पैदा होने के अगले दिन से लेकर मरने के पहले दिन तक आपको बड़ी ईमानदारी से, बिना कुछ बोले, बिना आपके टोके, आपको चुपचाप फ्री में 1440 मिनट हमेशा देता रहता है। टाइम आपको डेली टाइम क्यों दे रहा है, सोचो एक बार। वो किसके हिस्से का टाइम दे रहा है आपको, और वो जो आपके हिस्से का टाइम है वो आप किसको दे रहे हो, सोचो एक बार। सब लोग पढ़े लिखे हो, रंग बिरंगे कागजों में डिग्री लेके बैठे हो, कभी सोचो थोड़ा टाइम मिले तो। टाइम से ही पूछो कि भाई तू मुझे डेली फ्री फोकड़ में 1440 मिनट क्यों दे रहा है, मैं तो तुझे बोल ही नहीं रहा कि तू मुझे टाइम दे। इज्जत नहीं करोगे यार इस टाइम की जो आपको फ्री में टाइम दे रहा है।
यहाँ लोगों से एक रुपया निकलवाने में पसीना आ जाता है, और ये जो टाइम जी है ना, जिनकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, वो दुनिया के हर इंसान को हमेशा बराबर टाइम देते आए हैं। आज आप अपना टाइम बैलेंस जहां पर भी खर्च कर रहे हो, तो पूछो अपने आप से कि क्या ऐसा करने से आप अपने मकसद के ओर पास पहुंच रहे हो। अगर आप अपना टाइम बैलेंस अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम में नहीं लोगे, तो कोई और बंदा जो आपसे थोड़ा ज्यादा समझदार है, वो खुद आगे बढ़ने के लिए आपका टाइम यूज करेगा। अब मुझे ये बताओ कि अच्छा टाइम बुरा टाइम क्या होता है यार? टाइम तो न्यूट्रल है, इंसानों ने बना रखा उसको अच्छा बुरा, आपने खुद ने बना रखा उसको अच्छा बुरा। टाइम तो सिर्फ ये बोलता है कि मैं चल रहा हूं, तुम भी चलो। टाइम सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम भी मत पटको अपने पे फर्क किसी से। टाइम सिर्फ इतना बोलता है कि अपने काम से मतलब रखो, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं वैसे तुम भी अपना काम करो। किसी को इम्प्रेस करने में अपना टाइम खर्च मत करो यार, क्योंकि उसके पास अपना टाइम बैलेंस है और आपके पास अपना है। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अपना टाइम बैलेंस खराब मत करो। अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई, तो ये तकलीफ उससे अच्छी है जो आपको टाइम बर्बाद करने पर टाइम बीतने के बाद मिलती। उठो यार, अब कुछ बड़ा करो, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।